सब्सक्राइब कीजिए केमिस्टर्स एंड केमिस्ट्री क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र सेन और आप देख रहे हैं केमिस्टर्स एंड केमिस्ट्री क्लास। नेट, गेट या सेट का प्रिपरेशन करना है और समझ नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, स्टार्ट कहाँ से करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लेते हैं और यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप। बिल्कुल नहीं, अगर आप बीएससी या एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, पर अगर आपको नेट, गेट या सेट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं है, जैसे यहाँ आप देख कर समझ ही गए होंगे। और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें सीक्वेंस से पढ़ना है, और वो सीक्वेंस क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से करें। इस रिएक्शन को देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरीज को छोड़ दे तो ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिलेगा, कुछ सिंपल होंगे तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ए, बी और सी क्या बनेगा? मुश्किल है ना? हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आज जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करके आप ऐसे रिएक्शंस को 2 मिनट वाले मैगी से भी कम समय में बना सकते हैं। बाबा ने छोड़ दस चलिए एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। इसमें देखिए, ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है और सी बन रहा है, तो यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट होंगे और सी प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, यहाँ पर फॉलो होते हैं कुछ स्टेप्स, फिर बनते हैं इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, फिर उसके बाद बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यहाँ होता है, और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? उससे पहले रिएक्टेंट को समझ लेते हैं। रिएक्टेंट को हम दो पार्ट में रख सकते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट जहां पर या जिस पर रिएजेंट अटैक करता है या रिएक्शन करता है, ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल एटसेट्रा। और रिएजेंट ये अटैकिंग स्पीशीज होते हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। हम रिएजेंट को भी दो कैटेगरी में रख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और ये कैसे रिएक्शंस करते हैं, इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी के साथ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको पूरी डिटेल में समझ जाएंगे। ये तो हो गई रिएक्टेंट की बात। अब बात करते हैं उन स्टेप्स या पॉइंट की जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले बता रहा था। आपको इन्हीं स्टेप्स को सबसे पहले फॉलो करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रिएजेंट सबस्ट्रेट में किस पोजीशन में अटैक करेगा और इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हमको पढ़ना है बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। देन उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली समझ सकते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। यहां पर आज मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हमको यहीं से करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इससे ये पता चलता है कि कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। ये उस कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टेम्पररी और सेकेंड परमानेंट।
टेम्पररी मीन्स जब रिएजेंट पास आएगा तभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जैसे ही रिएजेंट को हटाया जाएगा कंपाउंड अपने एक्चुअल स्टेट में फिर से आ जाएगा। परमानेंट, इसमें रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंपाउंड में परमानेंटली प्रेजेंट रहता है। किसी भी कंपाउंड में परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने के कुछ रीजंस होते हैं, और वो रीजंस है इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। थैंक यू।